राजद ने की विधायक सविता महतो को मंत्री बनाने की मांग। राजद जिला सरायकेला खरसावां की बैठक कैंप कार्यालय गम्हरिया में गाजू साहू की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान 29 दिसंबर को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर चर्चा की गई। मौके पर प्रदेश महासचिव अर्जुन प्रसाद यादव ने झारखंड की शहीद परिवार की बहू श्रीमती सविता महतो को झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवार के बहू को मंत्री पद देना ही सच्ची सौगात होगी। इस बीच मुख्य रूप से राजद के जिला अध्यक्ष गाजू साहू, महेश्वर महतो, जिला उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा इंद्रजीत सिंह, मुकेश झा, राज बिहारी महतो, अजय कुमार ठाकुर उपस्थित थे। सोना न्यूज सरायकेला से विनोद बैनर्जी की रिपोर्ट। हेमंत सोरेन जी, उनका शपथ ग्रहण समारोह में सरायकेला खरसावां सहित पूरे कोल्हान के आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम के लोग वहां जाएंगे और उसी के संदर्भ में आज हम लोग बैठे हुए हैं, राय विचार कर रहे हैं और आज शुभकामना भी दे रहे हैं कि 5 वर्षों के लिए जनादेश मिला है महागठबंधन को, अच्छा तरीके से सरकार चलेगी। पहली बार 53 विधायकों का समर्थन हेमंत सोरेन जी को मिला है, 47 MLA महागठबंधन का और 3 MLA बाहर से जो समर्थन दे रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी का, उसके बाद माले का विनोद कुमार सिंह जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हम लोगों के बीच में कमलेश सिंह NCP के हैं, वो भी समर्थन दिए हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। और हम लोग मांग करते हैं सरायकेला खरसावां के तरफ से कि चूंकि शहीद परिवार की बहू स्वर्गीय सुधीर महतो जी की पत्नी सविता महतो जी का शानदार जीत हुआ ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से, यहाँ के वोटरों को, सपोर्टरों का मानना है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं के सम्मान के लिए भी उनको जगह मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है।